हम यहाँ खड़े हैं मुंबई के मानकूट में 96 नंबर बिल्डिंग में, और यहाँ पे तबलीग सुन्नी मिशन के जानिब से यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया। इस पर हम बात करेंगे महबूब शेख जी से। बताइए, ये ज्यारत का प्रोग्राम यहाँ पर हमने रखा है, यहाँ पर सुन्नी तबलीग मिशन की जानिब से, और अल्हम्दुलिल्लाह 40 चीज़ों की यहाँ पर तबरुकात की ज्यारत कराई जा रही है, जिसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक शरीफ है, और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुँह मुबारक शरीफ, और हुज़ूर की दाढ़ी मुबारक शरीफ के बाल मुबारक है, और जो कि कई अल्लाह के वलियों के मज़ार की चादर मुबारक भी इधर मतलब लाई गई हैं। कमोबेश 40 से 41 चीज़ें यहाँ पर मतलब मौजूद हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह इससे लोग सरफराज भी हो रहे हैं, इससे इसकी बरकत भी मतलब लोग हासिल कर रहे हैं, इतना ही है। और हम बात करेंगे हुसैन रिजवी जी से कि इसके बारे में बताएं। टुडे इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। माशाल्लाह तबरुकात की ज्यारत का एहतमाम किया गया है, और सरकार के नालिन शरीफ के गुस्ल का पानी भी है तबरुकात में, वो भी हम पिला रहे हैं, और खूब खूब ढेर ढेर मालामाल हो रहे लोग तबरुकात को ज्यारत करके, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से हम बात करेंगे मोहम्मद अकबर जी से। टुडे इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। ये जो प्रोग्राम रखने का असल मकसद ये है कि यहाँ पर सुन्नी तबलीगी मिशन, जो कि मुंबई की सरजमीन पर और इसके अलावा और भी बाहर स्टेटों में अपने अहले सुन्नत वल जमात का दीन का काम जो अंजाम दे रही है, बे इंतहा मेहनत कर रही है, इसी तरह जो हमारे मुंबई के बिगड़ते हालात हैं, ठीक है, उसे सुधारना, और हमारे जो आवाम जो राह रास्त से भटक चुके हैं उसे लाइन पर लाने के लिए, ये अहले सुन्नत वल जमात के लिए सुन्नी तबलीगी मिशन जो एक तहरीक है, ठीक है, आप यहाँ नाम देख सकते हैं, यही मिशन एक बहुत बखूबी अंजाम दे रही है दीन का काम। और यहाँ पर जो ये कार्यक्रम जो आप कह रहे हैं, ये जो फंक्शन जो आप कह सकते हैं इसे, ये जो रखने का मकसद ये है, ये तबरुकात की ज्यारत रखने का मकसद ये है कि आवाम यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और इन सब चीज़ों से, बाबरकत चीज़ों से वो फैज़ हासिल कर सकें, और इसके बाद यहाँ पर इंशाल्लाह जो काम अंजाम देगी सुन्नी तबलीगी मिशन अहले सुन्नत वल जमात में के लिए, हमारे आवाम के लिए, उसमें भी उनकी आना जाना लगा रहे, ठीक है जी। इसके अलावा मकसद ये है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल ये अवाम साथ दें, अल्लाह तबारक व ताला अवाम अहले सुन्नत को तौफीक व रफीक अता फरमाए, अल्लाह तबारक व ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन की समझ अता फरमाता है, ठीक है। हमारा मकसद ये है कि हमारी जो मस्जिद है यहाँ पर हफ्तावारी इज्तिमा सुन्नी तबलीगी मिशन के तरफ से, उनकी जानिब से हफ्तावारी इज्तिमा का ये इंतज़ाम किया जाएगा हर हफ्ते, तो मैं अवाम अहले सुन्नत के मानखुर की सरजमीन पर जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं देख रहे हैं, मैं उनसे इल्तिजा करता हूँ, मौदीबाना गुजारिश करता हूँ कि आप लोग ये जब इंतज़ाम किया जाएगा हफ्तावारी इज्तिमा का, तो आप लोग यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ लाएँ, और अहले सुन्नत वल जमात क्या हमें तालीम देती है उसे आप बगौर समात फरमाएं और उस पर अमल करें, ठीक। मानखुर में हम हैं और सुन्नी तबलीग मिशन के जानिब से यहाँ पे काफ़ी लोग आए और यहाँ पे ज्यारत किए, और ही बहुत ही काफ़ी लोग आए, और देश प्रदेश की ताज़ा खबरों के देखते रहें टुडे इंडिया न्यूज़।